से बन गया ये देखो दोस्तों, तेल छोड़ दिया है बिल्कुल मसाले ने। हमारा जो मसाला है वो अब तैयार है, देखो बस। तो इनको ना दोस्तों मैंने ना ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ। तुमने बोलने लगी आंटी हमने खेत में जाना है, आप चलोगे? दोस्तों देखो, ये देखो छोटी छोटी तोरियाँ लगी हुई है, अभी बहुत छोटी है। तो मैंने बोला चलो मैं बोलते हैं पंपकिन। गाँव में बारिश भी लग चुकी है और तूफान भी आ रहा है। कई लोगों ने हेलो दोस्तों, सिमर एसकेएस व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों 3:30 बजे का टाइम है, रात अंधेरी, तूफान बहुत ज़्यादा आ गया था, तो रात को भी लाइट नहीं आई हमारे यहाँ। तो सुबह थोड़ी देर लाइट आई थी, तो इन्वर्टर जो है हमारा फुल चार्ज नहीं हुआ, अभी फिर लाइट चली गई है। गर्मी में बैठे हैं, ये देखो इधर पापा भी बैठे हैं। दोस्तों हमारे पापा इधर गर्मी ज़्यादा मान रहे हैं, क्योंकि हमारे उधर लाइट कम जाती है, इधर तो लाइट बहुत जाती है। हमें तो आदत बन चुकी है हमारी, तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ बैठे हैं, थोड़ी बहुत हवा आ रही है बाहर से इधर, ये देखो ऐसे थोड़े थोड़े, देखो पर्दे हिल रहे हैं, इधर से हवा लग रही है। तो हमारे तो इधर बहुत लाइट जाती है दोस्तों, सुस्ती पड़ रही है, नींद भी नहीं आ रही। पापा कभी कमरे में चले जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं। डैडी इतने ले आओ कुर्सी, इतने बैठो, हवा जी चलती ना जिस डैडी को साढ़े नंगल च नहीं जाती लाइट। इदा डैडी हिंदी बोलो, हमारे नंगल में लाइट नहीं जाती। हाँ देखो दोस्तों, पापा बोल रहे हैं कि हमारे नंगल में नहीं लाइट जाती है, आपके इधर लाइट बहुत जाती है। गाइस हाल बिहार हो चुके हैं, फाइनली हाल बिहार है। दोस्तों रात को हमारे इधर ना इतना अंधेरी तूफान आया, सारे गंद मच जाता है पूरा हमारे, तो इधर जाली है यहाँ पे। तो चाय नहीं पीनी डैडी ने, चाय पीनी हूँ, तुम ठंडा पी लो। बाहर लाते हुए हर एक बार अंधेरी आती है और गंद डाल के चली जाती है, सारा दिन सफाई में चला जाता है। दोस्तों ये जो है ना, ये एरिया, ये वाला एरिया सारा धूल मिट्टी से भर जाता है। सारे बर्तन उधर से उतार के सुबह सारे धोए थे मैंने, तो ये मैंने रात बर्तन धो के रखे हुए थे सारे भर गए मिट्टी से, ये सारी चीज़ें मिट्टी से भर जाती है। इधर से आती दोस्तों, इधर से आती है बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, अंदर आ जाती है। चलिए चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, गर्मी 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 को मारती है दोस्तों। चलो गाइस अभी ठंडे को उबाल लेते हैं, गर्मी गर्मी को मारती है रे। जिन जिन लोगों ने चाय पी ली है वो आ जाए, असा चाय पीन लगे सा। दोस्तों बहुत गर्मी है हमारे इधर बहुत ज्यादा, ऊपर से लाइट चली जाती है तो फिर और आ गई लाइट रे। अरे बिडू लाइट आ गई रे, बिडू लाइट आ गई, बिडू बिडू। दोस्तों बात करते करते लाइट आ गई, अच्छा हो गया लाइट आ गई। जब तक ये हमारा व्लॉग आप तक आएगा ना, आप दुआ करना कि हमारे गांव में ना लाइट ना जाए करे। चलिए दोस्तों मिलते हैं चाय बनाने के बाद। दोस्तों मैंने ना चने धूप में रखे हुए हैं बर्तन में डाल के भिगो के, तो इनको ना मैंने करना है बॉयल। हाय हाय कितनी धूप है भाई, तो चूल्हे पे रख देंगे बॉयल करने के लिए। ये देखो मैंने आग जलानी है अभी, तो
अंदर से ही धो के लेके आती हूँ। दोस्तों मैं पतीली में ये वाले पतीले में रखेंगे, पहले इसको मिट्टी लेने में चलो देख लगाएंगे नहीं इसको मिट्टी आज पतीली को ना। दोस्तों मैंने भिगो के रखे हुए थे चने, हाय हाय कितना गर्म पानी है रे भैया। तो चलिए ये पानी फेंक देते हैं। तो ये चने हमने धो दिए हैं, इनको डाल देते हैं इसमें और देख भी लेते हैं कोई कंकड़ तो नहीं है इसमें। ऐसे तो साफ ही है। तो इसके साथ में हम ना आलू भी धो के डाल दूंगी मैं इसमें। इनको अच्छे से धो लो पहले दोस्तों ना, ये ना मसल के धोने पड़ेंगे ये देखो ऐसे। दोस्तों मैंने आलू भी अच्छे से मसल के धो दिए क्योंकि हमने जो चने में चनों में पानी डालना है ना बॉईल करने के लिए वो हमने ना सब्जी में वही डालना है, इसलिए मैंने अच्छे से इनको धुल लिया है क्योंकि हमने वो पानी भी यूज़ करना है। तो पानी डाल लेते हैं और चनों को आलू दोनों को बॉईल कर लेते हैं हम। ये डल गया पानी, अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक। वो इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक। तो चलिए हम चूल्हे पे उबलने के लिए इनको रखते हैं, आग जला लेते हैं। इस बार मौसम देख सकते हो आप कितनी गर्मी हो रही है। बाहर तो भाई धूप में खाने का मन भी नहीं कर रहा। सो गाइस आपके यहाँ कितनी गर्मी है कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस लाइट आ चुकी है और अभी एसी चलाए हुए और नानू यहाँ पर आराम कर रहे हैं। चने जो है उबल रहे हैं तो मैं इधर कुंडी में जिसमें हमने मसाला पीसना है ना तो मैं उसे धो रही हूँ क्योंकि इसमें पड़ी थी खट्टी चटनी, हम आम कच्चे आम की चटनी पड़ी थी तो उससे क्या है सब्जी ख़राब होने के चांस रहेंगे। तो इसे अच्छे से पहले धो लेंगे फिर हम इसमें अपना जो मसाला है वो बनाएंगे तैयार करेंगे। चलिए इसे ना हम यहाँ पे रखते हैं क्योंकि यहाँ पे हवा आ रही है, मुझे यहाँ पे बैठना अच्छा लगता है। यहाँ पे रख देते हैं इसे, तो मैं इस मैट पे बैठ के यहाँ पे मसाला पीसूंगी। तो चलिए दोस्तों चने बनाने का मसाला बनाते हैं। तो
तो ये मैंने कुछ ली है लाल मिर्च, इनको डाल लेंगे काट के, अच्छे से पीस जाएगी। थोड़ा सा मैंने उसमें चने में जब उबालने रखे थे उसमें डाला था, थोड़ा सा इसमें भी डाला। दोस्तों मैं बनाऊंगी आज काले चने, मैं बना रही हूँ उसका, मैं मसाला पीस रही हूँ। तो ये रहा, तो ये मैंने सिर्फ अभी लाल मिर्च और नमक हल्दी डाल के इसे पीसा है। वो बाहर धूप वहाँ तक चली गई है, तो बेल जो है हमारी तोरियों के नीचे गिर चुकी है अंधेरी की वजह से, इसे फिर ऊपर टांगना पड़ेगा कीले गाड़ के, कीले भी उखड़ गई इतनी अंधेरी आई थी रात। तो ये जीरा भी डाल देंगे सूखा, तो ये है धनिया, सूखा धनिया। निकाल लेते हैं आलू और चनों को, चेक कर लेते हैं एक बार। सब्जी को तड़का लगाएंगे चूल्हे पे ही। अभी मैं ये जो पतीला है ना इसे मतलब निकाल रही हूँ इसमें से चने, तो इसमें ही तड़का लगा लेंगे हम। डालेंगे इसमें, अभी तेल गर्म हो जाए तो वो जो मसाला हमने सारा पीस के रखा हुआ वो इसमें डाल देंगे। ये देखो दोस्तों अंधेरी फिर से हवा शुरू होगी, डर लगता है इसी इस वजह से ना जल्दी सब्जी बना लेते हैं हम, तो है ना खाना जल्दी बना लूँगे क्योंकि अंधेरी का कोई पता नहीं चलता कब आ जाएगा, इतना तूफान आ जाता है अचानक से तो सारा कुछ मिट्टी से भर जाता है। टाइम तो रख दिए थे 3:30 बजे के करीब रखे थे मैंने चने उबलने के लिए, तो भी चने उबल चुके हैं तो फटाफट से तड़का लगा लेते हैं। तो ये देखो हमारा मसाला जो हमने सब्जी में डालना है, ये हमने कुंडी में पीसा है ये, तो अभी हम इसमें डाल देंगे। अभी थोड़ा तेल गर्म हो रहा है जब तक हम आलू छील लेते हैं। तो दोस्तों देखो मैं आपको दिखाऊं, देखो कितने अच्छे से चने भुन गए, ये देखो बीच में से, ये देखो सारे टूट चुके हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो कितने अच्छे बन गए हैं। तो उधर हमारा तेल गर्म हो गया है दोस्तों, तो उसमें मसाला डालते हैं पकी हुए को। ये देखो दोस्तों तेल छोड़ दिया है बिल्कुल मसाले ने, हमारा जो मसाला है वो अब तैयार है, देखो तेल अलग हो गया है। तो चलिए दोस्तों इसमें डाल देते हैं, पहले मिक्स कर ले थोड़ा सा इसको। दोस्तों इसमें अब हम अपना जो करी लगानी है इसमें ग्रेवी है जो हमारी वो इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने चावलों के साथ खाना है इसे और रोटी भी बनेगी। तो अभी इसे
तो दोस्तों मैं आई हूँ सुमने और के जो खेत है उनका ना, देखो मैं पहले भी आ चुकी हूँ सर्दियों में उनके खेत में, तो ये देखो कितनी अच्छी लौकी लगी हुई है उनके खेत में, और ये भी लगी हुई है। इधर मालिक खड़े हुए हैं पर मालिक को दिखाना नहीं है हमें, ये देखो एक तो और भी बहुत सारा कुछ लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे, तोरियाँ हैं, पेठा है जो हरा कद्दू होता है। तो दोस्तों ये देखो हमारे गाँव की ब्यूटी, ब्यूटी देखो हमारे गाँव की। तो दोस्तों ये ना आ रही थी तो मैं इनके सब्जी बना के घर आई इनके, तो वैसे ही चली गई थी मैं, तो सुमने बोलने लगी आंटी हमने खेत में जाना है आप चलोगे? तो दोस्तों देखो ये देखो छोटी छोटी तोरियां लगी हुई है, अभी अभी बहुत छोटी है, तो मैंने बोला चलो मैं भी चलती हूँ, मुझे खेत वगैरह में घूमना अच्छा लगता है, तो मैं भी आ गई हूँ। बैठा लगे वहाँ कोई ना दिखा देना मैं। दोस्तों देखो ये देखो भाई ये बूटी बड़ी खतरनाक होंगी उदा। दोस्तों देखो कितना बड़ा पेठा लगा हुआ है, हरा कद्दू जिसे बोलते हैं पंपकिन। दोस्तों कितनी अच्छी लगती है ऐसी सब्जी वगैरह देखनी ना मुझे, ऐसे बहुत अच्छी लगती है खेतों में जब लगी होती है ना ऐसे, तो मैंने सोचा चलो आपको भी अपने गाँव की दिखाते हैं खेत खलिहान जो है। हमारा तो नहीं है खैर, हमारे पड़ोसियों का हमारा ही हुआ, जो हमारे पड़ोसियों का वो हमारा भी हुआ। और क्या क्या लग गया वहाँ? ये देखो दोस्तों सूर्यास्त हो रहा है, थोड़ी थोड़ी हाँ दिखाई है मैं लगी हुई ये हमारी बिल्ले गिर गई है नीचे, दांत टूट के बिल्ले के दांत टूट गए बस। ओ थी ओ देता ओ ताहले छोटी छोटी हैं। दोस्तों अच्छा लगता है ऐसे जब गांव में आते हैं ना खेतों में सब्जियां वगैरह लगी होती है तो बड़ी अच्छी लगती है, हरे हरियाली देखना मुझे बहुत पसंद है। देखो ये हमारा गांव है सारा, यहाँ इधर तो घर कम ही है, तो उधर ली साइड है रोड, उधर वाली साइड तो हमें इधर वाली साइड। हाँ क्या सुनने लग गया वा आ चीज पता नहीं की है, पता नहीं की है मोरी बूटी जी होनी है ना कोई बूटी है। थोड़ा बहुत घूमना अच्छा लगता है, वैसे तो हम आते नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आज थोड़ा ठंडा था, कल बारिश लगी थी ना तो इस वजह से फिर हम आ गए थोड़ा बहुत घूमने के लिए। दोस्तों देखो हमारी सब्जी बन के रेडी है, तो अपने पापा जी को खाना डाल देते हैं। तो दोस्तों हमारा डिनर रेडी है, ये है चने की सब्जी और चावल, ये है अचार, ये शहर के पापा की सब्जी क्योंकि वो रात को राइडिंग करते हैं, सब्जी खाते हैं रोटी नहीं खाते हैं, ये शहर की थाली पापा खा चुके हैं क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है सब्जी बनाने में, तो मिर्च वगैरह नमक वगैरह बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल सही है, तो बहुत टेस्टी लगे मुझे। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
हमारा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।